लिखा गई नहीं लिखा ना कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है इसका मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ठीक है अब देखो आ, ओल्ड रेशियो क्या है ओल्ड रेशियो है टू रेस टू वन एक्स और वाई टू पार्टनर्स हैं एक्स और वाई टू पार्टनर्स है ओल्ड रेशियो है इनका टू रेस टू वन इसका मतलब टू बाय थ्री हो गया और ये वन बाय थ्री हो गया ये कौन सा रेशियो है ये ओल्ड रेशियो है ठीक है इसके बाद न्यू रेशियो भी दिया हुआ है न्यू रेशियो क्या कह रहा है देखो न्यू रेशियो और टू रेस टू वन की थ्री रेस टू वन न्यू रेशियो इज थ्री रेस टू वन थ्री रेस टू वन इसका मतलब थ्री बाय फोर एंड वन बाय फोर क्लियर हो गया ओल्ड रेशियो टू रेस टू वन था और न्यू रेशियो जो है वो थ्री रेस टू वन है ठीक है अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे निकलेगा सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है ओल्ड माइनस न्यू ऑन बताया थे ना लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू अगर आंसर पॉजिटिव आता है तब तो वो क्या होगा सेक्रीफाइज होगा क्लियर है लेकिन अगर आंसर निगेटिव आएगा तो वो क्या कर जाता है गेन हो जाता है है ना क्योंकि हम सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हैं इस अगर हम आ, क्या निकालते अगर हम गेन रेशियो निकालते तो आंसर पॉजिटिव आता तो गेन होता है ना लेकिन निगेटिव आता तो जस्ट अपोजिट होता है सेक्रीफाइस जैसे हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो फार्मूला क्या है ओल्ड माइनस न्यू तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो वो क्या होगा सेक्रीफाइज होगा जो निकाल रहे हैं वही होगा और अगर निगेटिव आएगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा जो कि गेन है ठीक है समझ में आ गया तो यहां फिलहाल हम लोग निकाल रहे हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो एक्स का निकाल के देखते हैं एक्स का सेक्रीफाइजिंग रेशियो है ओल्ड ओल्ड कितना है एक्स का टू बाय थ्री तो ये आया टू बाय थ्री माइनस न्यू कितना है थ्री बाय फोर ठीक है एल ले लेंगे ट्वेल्व ठीक है फोर फोर टू जा एट माइनस थ्री थ्री जा नाइन उसका आंसर आ रहा है माइनस वन बाय ट्वेल्व देख लो ध्यान से आंसर क्या आ रहा है माइनस वन बाय ट्वेल्व और हम लोग निकाल के आ रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू और आंसर किस में आ गया माइनस में आ गया इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहे है? गेन करेगा ये क्या करेगा ये गेन करेगा क्योंकि अगर हम सेक्रीफाइस निकाले हो और आंसर पॉजिटिव आता तभी सेक्रीफाइस होता क्योंकि अगर निगेटिव आ गया तो क्या कर जाएगा चेंज हो जाएगा ठीक है अब वाई का ले लेते हैं वाई का रेशियो है ओल्ड है वन बाय और न्यू है वन बाय फॉर्मूला वही होगा तो हम लोग निकालेंगे वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर यह आ जाएगा ट्वेल्व क्लियर फिर फोर वन जा फोर माइनस थ्री वन जा थ्री और आंसर आ गया वन बाय ट्वेल्व पॉजिटिव आंसर है ना क्योंकि सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं पॉजिटिव आंसर है तो ये क्या करेगा ये सेक्रीफाइस करेगा ये बहुत क्लियर होना चाहिए बच्चों क्योंकि इसी से जनरल एंट्री बनेगी जनरल एंट्री उल्टा ना हो जाए जनरल एंट्री उल्टा हो जाएगा तो आपका पूरा वर्किंग नोट खत्म जीरो मार्क्स हो जाएगा आउट ऑफ फोर जब हम सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं और आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो वही रेशियो है लेकिन अगर निगेटिव में आ गया तो अपोजिट हो गया ठीक है जैसे हम लोगों ने एक्स का निकाला ओल्ड माइनस न्यू लेकिन आंसर किस में आ गया माइनस में आ गया ना एट माइनस नाइन है देखो तो ये गेन हो गया ये सेक्रीफाइस नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि आंसर किस में आ रहा है माइनस में आ गया मतलब दूसरा वाला रेशियो हो गया और वाई का क्या हुआ है फोर माइनस थ्री वन आया है आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब किसमें जाएगा? में ही जाएगा देखो, ये जानना इसलिए जरूरी है कि जो सेक्रीफाइस करेगा देखो, ये इसमें सी है ना, वही क्रेडिट होता है जो करेगा, वही होगा। इसकी इसकी ये ये हो हो गया, गया। क्या बनेगी? debit। सीधे-सीधे ना क्योंकि ये देखो ये सी लिखा हुआ ना सी मतलब ये ही होगा मतलब क्रेडिट टू वाइस अकाउंट क्लियर हो गया अब अमाउंट कैसे निकलेगा अमाउंट देखो जितना अमाउंट उसमें दिया हुआ है अमाउंट है 180, 000, ठीक है अब हम लोग निकालेंगे 180, का जो आया है ये दोनों का रेशियो सेम आएगा एक पॉजिटिव जाएगा एक नेगेटिव जाएगा थ्री पार्टनर्स होते ना तो ये भी हो सकता है दो का एक हो जाएगा और एक का लेकिन जितना माइनस होगा उतना ही प्लस भी होगा देखो वन बाय ट्वेल्व वन बाय ट्वेल्व इसका हम निकालेंगे वन बाय ट्वेल्व अब इसको 12 को काटते हैं ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व फिर आएगा सिक्सटी ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी है ना? फिर वन टू थ्री वन टू थ्री तो ये आ गया वन फाइव ट्रिपल ज़ीरो वन फाइव ट्रिपल ज़ीरो और आपकी जनरल एंट्री बन गई एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई क्लियर हो गया तो ये पॉजिटिव निगेटिव ये समझना बहुत ज़रूरी है तभी ये जनरल एंट्री एक्चुअली एग्ज़ाम में होता क्या पता है एग्जाम में बच्चे ये कर लेते हैं ये कर लेते हैं ये भी निकाल लेते हैं वाई को डेबिट कर देंगे एक्स को केट कर देंगे ये ऐसा होगा आपके साथ भी हो सकता है क्योंकि आगे एंट्रीज़ जो बनती जाएगी वो बहुत टिपिकल्ट होती जाएगी इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखो ये बार बार नहीं बताया जाएगा कि अगर सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव होगा तो सेक्रीफाइज होगा और निगेटिव होगा तो गेन होगा है वो आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा अब से ठीक है आगे अब ये नहीं समझाएंगे अब ये क्लियर हो गया सेकेंड टाइम बता रहे हैं लेटस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गुड